शहाबुद्दीन को टारगेट करना, रईस खान को टारगेट करना, या कल हो सकता है ओसामा साहब को भी लोग टारगेट करें वोट के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। 1990 से 2001 तक एक ठसक वाली राजनीति हुई, लेकिन विचारधारा से जुड़ी हुई राजनीति हुई, लेकिन 2001 के बाद वो राजनीति टर्न हुआ कि अब लाश गिराने वालों और उसी लाश पे सियासत करने वालों के बीच राजनीति शुरू हो गई। जैसे ओम प्रकाश यादव जी की आपने नाम ले लिया, तो वो अपराध के खिलाफ तो बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, लेकिन सेलेक्टिव बोलते हैं, और जिसका फायदा प्रशासन को मिलता है, प्रशासन यहाँ कलेक्टिव मोड में आ जाती है, वसूली अभियान में लग जाती है, क्योंकि उनके नज़र में शहाबुद्दीन, रईस खान, ओसामा साहब, ये जो चल रहा है खेल कि MLC के चुनाव में उन्होंने कहा कि मनोज सिंह अपराधी हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे उनके बेटे उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं, ये टायर पंक्चर हो जाएगा, इसकी तो हवा निकल जाएगी ना, जो उनकी स्टाइल है राजनीति करने की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 2023 का जो ये साल है, ये चुनावी साल इसको माना जाएगा, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा की तैयारी अभी से ही लगभग पूरे देश में की जाने लगी, इसका सबसे बड़ा अर्थ निकल रहा है लोगों के शब्द से। जब शब्द का जो तीर चलाना शुरू किया जाता है तो उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अभी सिवान में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं जावेद अली जी, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इनसे हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये चुनावी साल है, इस साल में सिवान का क्या माहौल रहेगा, और जिस तरीके से अभी से नेताओं का जो तीखा बयान आना शुरू हो गया है, या फिर कई नेता जो है कि सोशल मीडिया पर आकर के कई तरीके का सफाई दे रहे हैं, या एक अंदरूनी जो राजनीति चली जा रही है, इस राजनीति का परिणाम क्या होगा। बहुत स्वागत है जावेद जी आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपके जितने भी व्यूअर हैं द एक्टिविस्ट के, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जावेद जी, मेरा एक पहला सवाल ये होगा कि सिवान से आप लोग आते हैं, सिवान में सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जिसके नाम से सिवान की सियासत चली जाती थी, आज भी कहीं ना कहीं उनके निधन के बाद कहीं अप्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से उसके नाम को ही फिर से दोहन किया जा रहा है, तो क्या लगता है सिवान में विकास का नाम गौन हो गया है क्या? देखिए, जहाँ तक सिवान में जो राजनीति हो रही है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब देखिए, 1990 से जो एक्सचेंज आया सिवान की सियासत में, तो 1990 से 2001 तक वो एक ठसक वाली राजनीति हुई, लेकिन विचारधारा से जुड़ी हुई राजनीति हुई, लेकिन 2001 के बाद वो राजनीति टर्न हुआ, और जब राजनीति टर्न लिया तो उस टर्न लेने में ऐसा हुआ सिवान जिला में कि अब लाश गिराने वालों और उसी लाश पे सियासत करने वालों के बीच राजनीति शुरू हो गई, और 2004 के बाद सिवान में विकास के नाम पे राजनीति समाप्त हो गई, यहाँ सिर्फ जाति धर्म और मजहब के नाम की राजनीति शुरू हो गई जो अब तक चल रही है। कहा तो ये जाता है, कई ऐसे सांसद हुए जैसे कि 10 साल यहाँ के ओम प्रकाश जी रहे, भारतीय जनता पार्टी से रहे, अभी जो है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार है जिसमें JDU के अजय सिंह, उनकी पत्नी कविता सिंह यहाँ की सांसद है, तो बात तो विकास की होती है, लेकिन जब सच्चाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक मतलब शहाबुद्दीन के नाम को लेकर के, या फिर अब तो एक नए रईस खान भी आ गए, इनके नाम को लेकर के भी राजनीति हो रही है, तो ये माइनॉरिटी समाज को टारगेट करके कब तक बिहार के सिवान की राजनीति होती रहेगी? नहीं, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही टारगेट नहीं हो रहे हैं, सिवान का विकास भी और उद्धव रहा है। फिर शहाबुद्दीन का नाम क्यों लिया जाता है बार बार? सुनिए तो, सिर्फ सिवान का विकास भी और उद्धव रहा है, शहाबुद्दीन को टारगेट करना, रईस खान को टारगेट करना, या कल हो सकता है ओसामा साहब को भी लोग टारगेट करें वोट के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। विकास का बात नहीं होगा। सुनिए तो, जहाँ का नेता
जहाँ का सांसद, जहाँ जिस जगह के विधायक, जैसे ओम प्रकाश यादव जी की आपने नाम ले लिया, तो वो अपराध के खिलाफ तो बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं, लेकिन सेलेक्टिव बोलते हैं। और जिसका फायदा प्रशासन को मिलता है और प्रशासन यहाँ कलेक्टिव मोड में आ जाती है, वसूली अभियान में लग जाती है, क्योंकि उनके नज़र में शहाबुद्दीन, रईस खान, ओसामा साहब, माइनिटी से जुड़े हुए जितने नौजवान हैं, बच्चे हैं, या राजनीति करने वाले हैं, या जो भी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो तो उनके रडार पे आ जाते हैं। सेंट्रल के राजनीति सिवान में लगे, सुनिए तो, नहीं नहीं सेंट्रल की नहीं, यहाँ की राजनीति, पहले सिवान की राजनीति समझिए। तो वो तो सिलेक्टिव बोलते हैं। अगर वो पूरे समाज को सामने रख के बोले तो फिर ये जो चल रहा है खेल कि MLC के चुनाव में उन्होंने कहा कि मनोज सिंह अपराधी हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे उनके बेटे उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं, इस ये जो है ये टायर पंक्चर हो जाएगा, इसकी तो हवा निकल जाएगी ना, जो उनकी स्टाइल है राजनीति करने की। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि लगभग 14 वर्षों से, विगत 14 वर्षों से सिवान जिला शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बनवास में है, बनवास में बिल्कुल बनवास में है। और मैं चाहूँगा कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उस चुनाव में सिवान जिला के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठकर सिवान जिला में रोटी, कपड़ा, मकान, संभव है, चिकित्सा संभव है, जावेद जी, शिक्षा, ये संभव है, ये तो सिर्फ भाषणों में हो सकता है। नहीं नहीं, अगर संभव होता तो फिर जातीय बात को लेकर के, शहाबुद्दीन के बात को लेकर के, रईस खान के बात को लेकर के, अपने ओसामा की बात का उनको लेकर के, सिर्फ ये बातें थोड़ी होती। सब कुछ संभव है इस धरती पे, सब कुछ संभव है। सिवान की बात, हाँ मैं सिवान की बात कर रहा हूँ। अफसोस ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तो लोग याद करते हैं, मौलाना मजलक साहब को तो लोग बारहा याद करते हैं, चाहे वो सिवान जिला में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, लेकिन जो सिद्धांत उनका है, जो आइडिया ऑफ थॉट है, उन लोगों का जो कैरेक्टर रहा है, उस कैरेक्टर को ये लोग फॉलो नहीं कर पाते। इनकी हैसियत नहीं है कि उस कैरेक्टर को फॉलो करके ये विधायक बन जाएं। चलिए एक बात हम और कहेंगे, जातीय जनगणना हो रही है और इस जातीय जनगणना में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग भारतीय हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी के जो उनका एक अपना एजेंडा चल रहा बिहार को लेकर के, तो जातीय जनगणना को लेकिन अब एक मामला भी देख रहे हैं लोग, कुछ छपरा में मामला हुआ है उसको लेकर के एक जाति विशेष की बातें होने लगी है, ये एक जातीय जनसंहार की बात हो रही है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ जाति की बात व्यवस्था स्थापित करने के लिए, इक्वल करने के लिए बात हो रही है, और दूसरी तरफ जाति को लेकर के प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है, तो इसको क्या देखा जाए? देखिए, जान अगर किसी की भी ली जा रही है तो नाजायज है और उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। दुश्मनी हो सकती है, पेन पेपर से आप उस मामले को कोर्ट में समझिए, लेकिन आप कानून को हाथ में लेके किसी की हत्या कर दें, उसके पीछे उसका परिवार, उसके अपने सारे लोग रोड पे आ जाते हैं, सारे लोग आजीवन उस पीड़ा को झेलते हैं, तो ये घोर निंदनीय है। मेरा मतलब जातीय जनगणना को लेकर मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर बिखराव की स्थिति, जाति में बटेंगे, जातीय संघर्ष होगा, धार्मिक संघर्ष होगा, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो अंधकार में चला जाएगा और आप अपने जिंदगी की सारी कमाई झोंक देंगे, लेकिन उजाला नहीं होगा। इसलिए ये संघर्ष, जातीय संघर्ष, हिंसा, प्रतिहिंसा, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे लोगों को बाज आना चाहिए और बिल्कुल सही रास्ते पे आके सर्व समाज के हित के लिए राजनीति होनी चाहिए। जातीय जनगणना हो रहा है, इसको आप लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से बिहार की जो है सच्चाई बन चुकी है, इसका DNA में घुस चुका है जाति, तो क्या लग रहा है इसका एक परिणाम भी मिलेगा क्या? और खास करके जो 2024 का चुनाव है उसको मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्या? देखिए, जातीय जो गणना हो रहा है, गणना
तो जाति आधारित जो गणना हो रहा है उसका अगर अच्छा परिणाम है तो उसका दुष्परिणाम भी है। अब देखने वाली बात यह है कि चश्मा कैसा है, जैसा चश्मा जैसी सोच वैसा दिखेगा। हद ये है, मैं तो यही कहूँगा कि लाख भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, आरएसएस के लोग इस जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहा है कि ऐसा होने से, जैसे अभी आप देखिए जो देश की स्थिति है मौजूदा, हर एक 10% वाले जात की पार्टी है, अब 5% वालों का आंकड़ा आ जाएगा तो उनकी भी पार्टी हो जाएगी, और जितना ही यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ होंगी उतना गठबंधन को नहीं उतना ही आरएसएस करने में, हाँ उतना ही गठबंधन होगा और उतना ही आरएसएस को राजनीति करने में आसानी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे हम सीवान के संदर्भ में, जिस तरीके से हैना साहब एक्टिव हो रही हैं, कई जगह उन्होंने खेल के उद्घाटन में गई, एक बड़ा जनसमूह भीड़ जा रहा उनके साथ, क्या ये संदेश दे रहा? नहीं, ये तो अच्छा संदेश है, सबको आजादी है अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की और आम लोगों की हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की, अच्छा है उनका कदम जो है अच्छा कदम है, लेकिन खेल के मैदान के साथ साथ आम लोगों की हितों की रक्षा के लिए भी उन मैडम को आगे आना चाहिए और जनहित की जो समस्याएं हैं सिवान जिला में या पूरे बिहार में उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए मुखर होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आम लोगों की रक्षा, हाँ आम लोगों की, जनहित से जुड़ी समस्याएं नहीं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये काम नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं दिखना चाहिए, वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करें, उसका भी शॉर्ट आउट हो, उसका भी निराकरण हो, तो पब्लिक में और उत्तेजना पैदा होगी और जो आप ये देख रहे हैं इससे बड़े पैमाने पे होगी और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। बिल्कुल, ये थे जावेद जी जो कि कांग्रेस के हैं और चूंकि सिवान के हुसैन हसनपुरा प्रखंड के रहने वाले हैं, जिस तरीके से इन्होंने बात कहा इस बात का एक बड़ा असर भी होगा खास करके सिवान से। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली सिवान से।